रूस यूक्रेन युद्ध का सीधा असर भागलपुर के सिल्क व्यापारों पर। नाथनगर के 2000 घरों में होता है सिल्क का व्यापार, जिसमें 10,000 पावर लूम मशीन पर 50,000 बुनकर काम करते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा का घाटा। भागलपुर जिला को रेशमी शहर सिल्क नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ के सिल्क व्यापार में मानो नजर लग गई हो। पहले कोरोना के चलते 2 साल बुनकरों और सिल्क से जुड़े व्यवसायियों की कमर टूट गई और अब रूस यूक्रेन युद्ध हावी हो गया, जिससे भागलपुर नाथनगर के चंपानगर क्षेत्र के 2000 घरों में सिल्क का व्यापार होता है, जिसमें 10,000 से अधिक पावर लूम मशीन चलते हैं, जिसमें 50,000 बुनकर काम करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भागलपुर में बनाई हुई साड़ी दुपट्टे और रेशमी कपड़े गोदाम में पड़े हुए हैं। यहाँ से किसी भी देश के माल को सप्लाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षति हुई है। वहीं भागलपुर के बुनकरों का कहना है कि अगर इस पर केंद्र व राज्य सरकार का थोड़ा भी ध्यान दे तो शायद हम लोगों का व्यवसाय फिर से सुदृढ़ हो जाए, लेकिन हम लोगों के लिए जो भी पैसे आते हैं बिचौलियों के चलते पर्याप्त रूप से सबों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े व्यापारियों से धागा सूत के पैसों पर उठाकर काम कर रहा हूं, लेकिन माल ही नहीं दिखेगा तो हम लोगों को आमदनी कहां से होगी। जहां एक दिन की मजदूरी 800 से 1000 रुपए मिलती थी, वहीं अब 200 से 300 रुपए पर आ गई है। खाने पर भी आफत हो गई है। ना तो बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा पा रहा हूं और ना ही आगे कुछ सोच पा रहा हूं। हम लोगों का जो भी माल तैयार है वह यू गोदाम में रखा हुआ है। गौरतलब हो कि भागलपुर से बने साड़ी स्कार्फ दुपट्टा का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर किया जाता है। वहीं मोहम्मद अशफाक ने बताया कि हम लोगों का तैयार किया हुआ माल रूस यूक्रेन मलेशिया इंडोनेशिया अमेरिका सऊदी अरब बांग्लादेश के अलावे कई देशों में भेजा जाता है, लेकिन इस रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते सिल्क व्यवसायी की रीढ़ टूट चुकी है। लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं क्योंकि इस सिल्क व्यवसायी से हम लोगों को खाने पर भी आफत है। वहीं मोहम्मद अमन अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, मोहम्मद सौरभ का कहना है कि हम लोग माल तैयार कर कर्ज में इतने दब गए हैं कि अब कुछ पाना मुश्किल लगता है। अगर कर्ज ना होता तो हिम्मत कर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते, लेकिन अब लग रहा है कि हम लोगों को आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रूस से जो जंग हो रहा ना, उसके कारण से काफी हम लोग को अफेट आया है व्यापार में। और पहले आज से 2 महीना कबल जो कुछ सही था, आज के डेट में हम लोग को इतना है कि लेबर को पैसा देना मुश्किल हो रहा, माल काफ़ी जमा हो गया। अब हम लोग सोच रहे मशीन बंद होता है, इतना स्थिति ख़राब है कि हम लोग काम करने के ही लायक नहीं है। सारा रोज़गार हम लोग को ठप पड़ा हुआ। कहाँ कहाँ माल जाता था? हम लोग का तो रूस भी जाता था, यूक्रेन भी जाता था, मलेशिया भी जाता था, इंडोनेशिया जाता था, और आपका अमेरिका भी जाता था, इंडोनेशिया भी है, फिर आपका विदेश में सऊदी अरब भी जाता था, और भी मुल्क में बहुत से बांग्लादेश जाता था। ये सब में काफ़ी अफेक्ट पड़ा यूक्रेन और रूस के कारण से, काफ़ी हम लोग को व्यापार में असर पड़ा। अब ऐसा है कि हम लोग जो है कल के बारे में सोचना पड़ता है कि कल कैसे मशीन चलेगा उसके बारे में, और न पेमेंट आ रहा बाज़ार से। ऐसा हिसाब है कि माल जितना काफ़ी जमा हो गया कि हम लोग मशीन बंद करना पड़ेगा। काम कुछ भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। ये हमारा रॉकेट का आइटम है, वो दुपट्टा है, ये थान है, शर्ट वगैरह बनता है, कुर्ता वगैरह बनता है, लेकिन इसके इस कपड़े का भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से कुछ भी वैल्यू नहीं है, मजदूरी भी नहीं है, काम भी नहीं है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का जो है यानी कि क्या बोलते हैं खर्चा नहीं निकल पाता। और हमारा माल विदेश भी जाता था, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से सारा एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ही बंद हो गया है। कारीगर हैं, 50 किलोमीटर से आए हैं ये डोहा बॉसी से। हम यहाँ जो है दिन भर काम करने के बाद भी घर में राशन पूरा ना हो रहा है, बहुत मेंटेनेंस करने में कष्ट हो रहा है।